साथियों, हम फिजिक्स में बता रहे थे एसी एंड डीसी। एसी किसको कहते हैं और डीसी किसको कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। एसी की सप्लाई जो होती है हमारे घरों में होती है, जो आपको सरकार सप्लाई करती है वो भी एसी होती है। लेकिन डीसी क्या होती है, डीसी और एसी में अंतर क्या है, ये उसको हम समझा देते हैं। प्रश्न यहां से कैसे पूछते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। एसी और डीसी में दोनों में अंतर समझिए। ये हो गया एसी, अगला हो गया डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। क्या होता है, अल्टरनेट करंट, इसको कहते हैं अल्टरनेट करंट। इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। ये क्या है, डायरेक्ट करंट हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर ये होता है कि याद रखिएगा, ऐसे यदि हमने ऐसे ले लिया, ये ऐसे और यहां पे बना दिया, सेम ऐसे हम यहां पर ले रहे हैं, यहां पे होता ये है कि करंट आती है फिर साइक्लिक चलती है ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं साइकिल के रूप में। इसको कहते हैं कि यहां करंट आती है ऐसे 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 चलती है, और ये होती क्या है कि ये डायरेक्ट मिलती रहती है। एसी में क्या होता है, एकांतर क्रम में आगे और पीछे होती है। इसमें क्या होता है, एकांतर क्रम, याद रखिएगा एकांतर क्रम होता है, में क्या होता है आगे और पीछे होती है। एकांतर क्रम में आगे पीछे होती है, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट मिलता है, ऊपर ही होता है, इसमें आगे पीछे नहीं होता है, इसमें सदियों आगे होता है। याद रखिए इसमें क्या होता है, सदियों आगे होता है। इसका अर्थ हो गया कि एसी करंट जो हो गई, अल्टरनेटिव करंट हमारी जो हो गई, उसमें सदियों आपको करंट जो है मिलती नहीं है। क्या होती है, उसमें एक बार मिलेगी दूसरी बार नहीं मिलेगी, एक बार मिलेगी दूसरी बार नहीं मिलेगी। जैसे हमारा जो बल्ब है, क्या है, बल्ब है। अब जो मेरा बल्ब हो गया, अब एक मिनट में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। बल्ब जो है एक मिनट में 50 बार जलता है और 50 बार क्या होता है, बुझता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो अंत तक जरूर देखें। यही बार बार हम आपसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि आपने आधा देखा है आधा नहीं देखा है, आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं आगे हो सकता और इंपॉर्टेंट हो, आगे और अच्छा हो, जो और परीक्षाओं में आने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। और साथियों याद रखिए, दृढ़ इच्छा ही आपको नौकरी दिलाती है। यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर चिंतन है, तो आपको अवश्य सफलता दिलाएगी। आप यदि कभी मत घबराएं कि हमको मैथ नहीं आता, हमको साइंस नहीं आता है, ये कोई माने नहीं रखता है। 30% पाने वाला, 33% पाने वाला या ग्रेजुएशन में फेल होने वाला व्यक्ति आईएएस बनता है। क्यों, क्योंकि उसकी दृढ़ इच्छा होती है। यदि आपकी दृढ़ इच्छा है, आपकी लगन है, आपकी जिद है कि हमको ये बनना है, तो आप बनेंगे। आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई मतलब नहीं, आज भी मैथ आपको नहीं आ रहा, यदि आपने ठान लिया तो मात्र 3 महीने से 4 महीने में आपको सब कुछ आने लगता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको क्या होना चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा करिए, वीडियो अंत तक जरूर देखें, दृढ़ इच्छा रखें कि हमको नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, आपको घबराइए ना। आपको यदि घबराहट आती है तो कमेंट में मेरे लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपके मोबाइल नंबर पे संपर्क करके आपको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि हम साइकोलॉजी के टीचर हैं, जो बच्चा कमजोर हो, जो बच्चे को गणित में नहीं आती है, जो बच्चा होपलेस हो, जो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, आपका कोई बच्चा शरारती हो, आपका कोई बच्चा घर में नहीं पढ़ता हो, उसको मेरे पास एक बार लेके आए, वो बच्चा पढ़ने लगेगा, वो बच्चा प्रवीण हो जाएगा। मित्रों वीडियो अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आइए देखते हैं एकांतर क्रम में इसमें क्या होता है, आगे पीछे चलती है। हमने कहा कोई बल्ब है, विद्युत बल्ब है, एक मिनट में कितनी बार, 50 बार जलती है और 50 बार बुझती है। जब जलेगी, जलना ऊपर होगा और बुझना नीचे होता है। बुझता क्या है, बुझता नीचे, जलता क्या है, ऊपर होता है। जलना और बुझना ये क्रम चलता रहता है।
मतलब जब जलती है तो इसकी मतलब ऊपर होती है, जब बुझती है तो इसके मतलब नीचे साइक्लिक होता है। इसलिए अल्टरनेटिव जो करंट होती है हमारी एक बार आती बल्ब है और एक बार जाती बल्ब है। इसलिए आप देखे होंगे इंडिकेटर जो घरों में लगी होती है चल चलायमान नजर आती है। इंडिकेटर क्या होती है? जो रेड रंग की होती है उसमें करंट चलायमान नजर आती है, इसलिए अल्टरनेटिव होती है। इसमें जो है करंट अगर इसमें देखा जाए तो एक बार मिलेगी दूसरी बार नहीं मिलेगी। बल्ब जो है हमेशा जलती नजर आती है क्योंकि हमारी आंख की रेटिना नहीं उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जब हमारी रेटिना एब्जॉर्ब नहीं करती है इसलिए हमको बल्ब हमेशा जलता नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में क्या होती है? डायरेक्ट करंट में कभी भी बल्ब बुझता नहीं है, इसलिए इसमें बल्ब ज्यादा फ्यूज होते हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा बल्ब किसमें फ्यूज होंगे? सबसे ज्यादा बल्ब अगर फ्यूज होते हैं तो डायरेक्ट करंट में होते हैं। डायरेक्ट करंट में लगातार बल्ब मिलने पर क्या होती है? उसमें बल्ब ज्यादा फ्यूज होते हैं क्योंकि डायरेक्ट जोड़ा जाता है, डायरेक्ट मिलती रहती है। इसमें यदि करंट आपको मार दे डीसी करंट यदि मार देगी तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन इसमें डीसी करंट एसी करंट मारती है तो एक बार छोड़ देगी, झटका मारती है। इसीलिए देखे होंगे कैसी चलती है, झटके मारते हुए चलती है, झटका मारते हुए नहीं चलती है, चिपकाती है। ये कैसी होती है? चिपकने वाली होती है, ये चिपकाने वाली होती है और ये झटका देने वाली होती है। क्या करती है? झटका देती है, ये झटका देती है। एसी क्या करेगी? झटका देगी। और आपका डीसी क्या करेगी? ये चिपकाने वाली होती है। यदि किसी व्यक्ति को करंट मारती है तो करंट मारेगी डीसी, तो डीसी क्या करती है? डीसी चिपका लेगी और एसी क्या करेगी? वह मारेगी, छोड़ेगी, मारेगी, छोड़ेगी। इसीलिए पोल पर कोई व्यक्ति पकड़ लेता है एसी करंट को तो क्या करती है? हटा देती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो गिर जाती है, साइक्लिक में चलती है। हमारे घरों में सप्लाई कैसी होती है? हमारे घरों में सप्लाई एसी की होती है। हमारे घरों में सप्लाई कैसी होती है? हमारे घरों में सप्लाई कैसी होती है? जो सप्लाई होगी वो हमारा एसी होगा, डीसी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, इसमें ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें प्रॉब्लम सी आ जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट की क्षति होती है, इसमें करंट की क्षति नहीं होती है। लॉस किसमें होता है? लॉस इसमें ज्यादा होती है और इसमें लॉस नहीं होती है क्योंकि डायरेक्ट आपको करंट मिलती रहती है। जैसे हमारा इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर का काम क्या है? जैसे अभी हम देखे होंगे इन्वर्टर का मुख्य वर्क ये होता है कि हमारी इन्वर्टर जो होती है वो क्या करती है, हमारे ले जाकर के विद्युत को इलेक्ट्रिक को चेंज करते हुए फिर हमारी सप्लाई की जाती है। फिर हमारी क्या होगी? फिर हमारी सप्लाई की जाती है। मतलब जो हमारी इन्वर्टर का काम है, जैसे हमने कहा इन्वर्टर क्या, बैटरी अलग चीज है, इन्वर्टर अलग चीज है। इन्वर्टर का काम होता है एसी और डीसी बदलना। कभी भी पूछता है इन्वर्टर का काम क्या होता है, हमारी बैटरी में डीसी होती है उसको कन्वर्ट करके एसी में डाली जाती है, तो एसी की सप्लाई हमको मिलती है, डीसी की सप्लाई हमको नहीं मिलती है। तो मित्रों याद रखिएगा हमारा इन्वर्टर का काम होता है बैटरी में हमेशा डीसी आती है, एसी नहीं आती है, उसको चेंज किया जाता है इन्वर्टर के माध्यम से। तो हमारा जो डायरेक्ट करंट होती है चिपकाने वाली होती है और जो एसी करंट होती है वो झटका देने वाली होती है। अब हम चलेंगे विद्युत सेल के बारे में चलेंगे। विद्युत सेल क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, आइए उसकी हम चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं, विद्युत सेल से एक प्रश्न मिल जाएगा। विद्युत सेल से क्या होगा, एक प्रश्न रखा हुआ है। विद्युत सेल क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत सेल आइए देख लेते हैं। विद्युत सेल क्या होती है, एक रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। याद रखिएगा ये पूछा हुआ है, ये आया हुआ है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण है। रासायनिक ऊर्जा का क्या करता है, रूपांतरण किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में, ये पूछा हुआ है। अब पूछेगा कि विद्युत सेल का वर्क क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है विद्युत सेल का काम। इसमें जो होती है सेलों में, इसमें विद्युत सदियों बनी होती है। सेल में क्या होता है, सेल में याद रखिएगा हमारा जो सेल होता है इसमें विद्युत लगातार बनी रहती है। सेल में क्या होती है, विद्युत जो है लगातार बनी रहती है, विद्युत लगातार बनी रहती है।
इसमें कभी भी आपको ये नहीं होगा कि इस समय मिलेगी अगली बार नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें डीसी आईजी होता है। तो कोई भी सेल होगा, अब सेल दो प्रकार के होंगे, अभी उसकी चर्चा करेंगे। सेल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहले इसकी सप्लाई के बारे में समझ लें, कैसे इसमें सप्लाई होती है, क्या क्या होते हैं, तब हम चलेंगे सेल कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी बेनिफिट मिलेगा। हम बार बार कह रहे हैं, जैसे हमारे पास एक ऐसे सेल हो गया, आइए देख लेते हैं। या हमने क्या बना दिया, सेल बना दिया। अब यहाँ पे जब हमने सेल बनाया तो देखे होंगे पिन टाइप ऐसे उभरी होते हैं, यहाँ पिन टाइप उभरी होती है और नीचे ऐसे चपटी होती है और यहाँ ऐसे चपटी होती है। यहाँ हमारा प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है। यदि हम किसी उपकरण से इसको कनेक्ट करा दीजिए, समझिए हम कनेक्ट करा दिए यहाँ से ऐसे, इसमें हमने क्या करा दिया, हमने कनेक्ट करा दिया एक वायर के माध्यम से, ये कनेक्ट हो गई और ये हो गई कनेक्ट हो गई। अब हमारी करंट किधर से किधर की तरफ चलेगी, एनोड से कैथोड माने करंट, हमारा विद्युत आने लगा। विद्युत कहां से आएगा, विद्युत हमारा आने लगा एनोड से, इसको एनोड कहेंगे। धन सिरे को क्या कहेंगे, एनोड, और ऋण सिरे को क्या कहेंगे, कैथोड। इसको क्या कहेंगे, ऋण सिरा। तो ऋण सिरा सदैव क्या होता है, कैथोड होता है, और क्या होता है, धन सिरा सदैव एनोड होता है। तो विद्युत धारा सदैव एनोड से कैथोड की ओर चलती है। विद्युत धारा सदैव किधर से किधर चलेगी, सदैव जो है इधर से इधर की तरफ आती है, मतलब एनोड टू कैथोड चलती है। विद्युत विद्युत किधर से किधर चलेगी, विद्युत चलेगी प्लस टू माइनस, माने एनोड टू कैथोड चलेगी, एनोड टू कैथोड चलती है। इसमें जो विद्युत सेल में बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, जो सोल्यूशन होता है विलयन भरा होता है, इसमें सोल्यूशन होता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, सोल्यूशन होता है, इसमें विलयन होता है। सेल में क्या होता है, विलयन होता है। अब जो सेल में विलयन होगा उसी को क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। यहीं से प्रश्न पूछता है, इसको क्या कहेंगे, इसको विद्युत अपघट्य कहेंगे। इसके मतलब जो आपका सेल होगा, सेल में जो सोल्यूशन भरी होती है उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होती है, क्योंकि डीकम्पोजिशन में वर्क करने लगती है, ये टूटने लगता है, ये मॉलिक्यूलों में टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन निगेटिव आयनों में टूट जाता है, और इसी के कारण सप्लाई होने लगती है। अब इसी में हमारा आ गया कि आखिर में ये जो सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस ये होती है कि प्राइमरी सेल को यूज करके फेंक दिया जाता है, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल वो होती है जो सेकेंडरी सेल को हम पुनः जो है आपको उपयोग कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं। जैसे बैटरी, बैटरी हमारा सेल का रूप होती है, लेकिन वो क्या होती है, उसको यूज करेंगे, पुनः रिसाइकलिंग करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो है सेल होती है, सेल में पहला साधारण सेल होती है, लैक्लांसी सेल होती है, डायनियल सेल होती है, शुष्क सेल होती है। प्राइमरी जो सेल होती है, प्राथमिक जो सेल होती है, वो कौन कौन होती है, हमारा सिंपल सेल होती है, लैक्लांसी सेल होती है, डायनियल सेल होती है, और शुष्क सेल, ड्राई सेल होती है। ये उसको क्या करना होता है, एक बार यूज करके फेंक दीजिए। लेकिन हमारी जो है सेकेंडरी जो सेल होती है, वो बार बार हमको साइक्लिक करेंगे, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। साथियों जो वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।